अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। तो दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से एक बड़ी अपडेट आ गई है। जी हाँ, सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अभी तक कितने आवेदन हुए, तो देख सकते हैं डीएलएड की सीटें 2,28,000 आवेदन आए, सिर्फ 1,00,000। जी हाँ, देखिए बहुत से बच्चों ने एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन किया होगा, फाइनल पेमेंट कितने बच्चों ने किया इस वीडियो के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन अगर आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कम होगी तो दोस्तों ये वाली न्यूज आपके लिए जल्द ही सही आपके सामने हो सकती है। इंटर के बाद डीएलएड का सपना आपका सच होगा, क्योंकि किसी भी स्थिति में प्राइवेट कॉलेज ये नहीं चाहेंगे कि उनकी सीटें खाली जाएं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब समय भी बहुत ही कम बचा। आज देखिए तारीख हो चुकी है 3 अक्टूबर, लास्ट डेट है 9 अक्टूबर, मतलब अब 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है और अभी तक मात्र 1,00,000 आवेदन, ठीक है। तो भाई जब इतनी ज्यादा सीटें हैं, आवेदन इतने ज्यादा कम, तो काम नहीं चल पाएगा। कम से कम दोस्तों 3 से 4 लाख अगर आवेदन होगा, 4 लाख प्लस, तब जाकर कॉलेज में सीटें भर पाती है, नहीं तो उसके बाद सीटें खाली रहेंगी। आप लोग के कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। जो बच्चे 12वीं पास हैं अब वो बच्चे तैयार रहेंगे, जिन बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, जो बच्चे अपेयरिंग छात्र हैं, वो सभी बच्चे अब नई अपडेट पर नजर बनाए रखें, ठीक है। और एक और अपडेट हम आपके सामने रखेंगे डायरेक्ट एडमिशन को लेकर, ठीक है, कि डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, इसको सही तरीके से जान लीजिए, नहीं तो आपको एडमिशन ही नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और कट ऑफ क्या होने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए यहाँ पर एक और अपडेट, डीएलएड के लिए आए 1,00,000 आवेदन, हफ्ते भर का समय बाकी है। प्रयागराज से अपडेट, इस बार भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के 2 वर्षीय कोर्स की सभी सीटें भरना मुश्किल है। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, इस बार जो डीएलएड में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई बहुत ज्यादा लेट हो गई, ठीक है। इनकी ही गलती है, पीएनपी की गलती मानेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने पीजी में एडमिशन ले लिया, कुछ बच्चे कुछ और कोर्स करने लगे, कुछ बच्चे बीएड में चले गए। अगर ये सारा प्रोसेस टाइम से करते हैं तो यकीन मानिए इस बार 100% सीटें भरती। लेकिन अब चलिए उन बच्चों के लिए गुड न्यूज है, हो सकता है कि 200 नंबर पाने वाले छात्र भी सरकारी कॉलेज पा जाए। जरा इस अपडेट को देखिए पहले, इस बार भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की 2 वर्षीय कोर्स की सभी सीटें भरना मुश्किल है। अब तक रिक्त सीटों के सापेक्ष आधे से भी कम करीब 1,00,000 आवेदन आए। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभी सप्ताह भर का समय है, उसके बाद आवेदन की तिथि बढ़ने की संभावना भी कम है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होगी, इसको ध्यान रखिएगा। प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड, पूर्व में बीटीसी कोर्स अनिवार्य है, मतलब पहले इसका नाम बीटीसी था, यहाँ पर ये लिखा गया है। पहले इस कोर्स की काफी डिमांड थी, पिछले कुछ वर्षों से भर्ती न आने और भर्तियां विवादित होने के कारण इसके प्रति युवाओं का रुझान कम हो गया है। प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए वर्ष 2019 के बाद से विज्ञापन नहीं आया। डीएलएड कर चुके युवाओं ने कई बार भर्ती के लिए आंदोलन किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 5 वर्षों से भर्ती के लिए अध्याचन भी आयोग को नहीं भेजा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग जो शिक्षक हैं उन्हीं का समायोजन करके काम चलाया जा रहा है। विभाग ने छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता का अनुपात निकाला तो कई विद्यालयों में शिक्षक अधिक मिले। प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम होने के कारण शिक्षक पदों की कटौती कर दी गई है। इसके लिए अगले कुछ वर्ष तक भर्ती आने की संभावना भी कम है, इसलिए शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी डीएलएड के बजाय अन्य कोर्स कर रहे हैं। डीएलएड के सत्र 2024-25 में आवेदन के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने 18 सितंबर को, ठीक है, पोर्टल ओपन किया था। इस पर 9 अक्टूबर तक आवेदन लिया जाएगा। आवेदन के बाद 10 अक्टूबर तक शुल्क जमा कर सकते हैं और 12 अक्टूबर तक आवेदन का प्रिंट लिया जा सकता है। तो ये सारे दोस्त यहाँ पर बातें हैं, तो अब क्या होने वाला है, अब इसको हम लोग समझेंगे। देखिए इंटर के बाद डीएलएड करने के मामले में पीएनपी अपील करेगी, ये वाली न्यूज क्यों आई आप समझ रहे हैं। जो न्यूज आती है ना दोस्तों, उसका एक प्रॉपर टाइम होता है, और आप सोचिए कि डीएलएड में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और 12वीं पास छात्रों को मौका देने की बात चल रही है। अगर इस साल मान लीजिए 2024 में मौका नहीं मिलता, तो डेफिनेटली 2025 में जो अगले साल बच्चे इंटर पास कर रहे होंगे, या जो इस समय करंट में 12वीं क्लास में होंगे, उनके लिए फायदा हो जाएगा। एक और बच्चों का सवाल था कि सर क्या 12वीं के बाद अगर हम डीएलएड करेंगे तो वो कितने समय का होगा, क्या वो 2 साल का होगा या वो 4 साल का होगा, ठीक है। यहाँ पर मामला फंसेगा, क्योंकि जब बीच में बातें हो रही थी डीएलएड के बाद, इंटर के बाद डीएलएड करने के लिए, तो वहाँ पर 4 साल का कोर्स प्रस्तावित है,
ठीक है, सब कुछ देखेंगे, पहले आप लोग के कमेंट का आंसर हम कर दें। सर फर्स्ट कमेंट है, प्लीज ये बताइए हमारी मेरिट लिस्ट कब आएगी और लिस्ट में रैंक कब आएगा तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, उसकी फीस 10,000 होगी या 70,000, आई एम कंफ्यूज, प्लीज बताइए। देखिए सबसे पहले एक बात को ध्यान रखिए, 9 अक्टूबर जब लास्ट डेट आवेदन करने की निकल जाएगी, भले उस समय तक सिर्फ 2 ही लाख बच्चे आवेदन करें, मान लेते हैं 2 लाख बच्चों ने आवेदन किया, उसके बाद पहली बात तो नए बच्चे इस एडमिशन में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जितने बच्चे आवेदन करेंगे सिर्फ उतने ही बच्चों को मौका मिलेगा डीएलएड में एडमिशन लेने का, और वही बच्चे हकदार होंगे डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन के लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब ये जो आप समझ रहे हैं ना, जितने बच्चे आवेदन करेंगे वही, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये 70,000 की क्या बात हो रही है। प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है एक साल की 41,000 होती है, और आपको 200 दूसरे साल भी 41,000 देना पड़ेगा, मतलब 2 साल में टोटल आपको 82,000 पेमेंट करना पड़ेगा सिर्फ फीस। लेकिन होता क्या है, अगर इस बार आप देख रहे हैं आवेदन कम हुआ है, तो सबसे बड़ी फायदा आपको ये होगा, कुछ ऐसे कॉलेज होंगे जहाँ पर, देखिए जो प्राइवेट कॉलेज होता है इसमें दो तरह का दोस्तों सिस्टम होता है, कहीं पर किसी कॉलेज को 100 सीटें आरक्षित होती हैं, कहीं पर 50। अगर आप किसी 100 सीट वाले कॉलेज में जाते हैं, अगर इन कॉलेज के भैया 50 सीटें भर रही हैं, 50 खाली जाती हैं, तो लास्ट टाइम में कॉलेज वाले क्या करते हैं, स्कॉलरशिप के बेस पर आपको एडमिशन देंगे, जिसको हम बोल सकते हैं फ्री में एडमिशन। तो ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आवेदन इतने कम हुए हैं तो फ्री वाला एडमिशन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है सर, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर देना पड़ेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के टाइम लगेगी सर जी, प्लीज रिप्लाई में। नहीं, काउंसलिंग के टाइम कुछ नहीं लगने वाला है, लगेगा लास्ट टाइम जब आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या जब आपको एक बात और बता दें, आपके जो भी ओरिजिनल ठीक है रिजल्ट है सर्टिफिकेट है सबको सबमिट करना पड़ेगा, आपका हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का ओरिजिनल रिजल्ट भी आपके पास होगा नहीं, वो बाद में आप जाकर कॉलेज में जमा करेंगे, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TC, और आपका लगेगा एक ओरिजिनल ID, तो यहाँ पर ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं जमा होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें लगने वाली हैं। सर मेरा एड्रेस गलत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, अगर आपका एड्रेस गलत है टेंशन मत लीजिए, BA का रोल नंबर गलत हो गया है सही कैसे करें, ठीक है। अब देखिए ये आपका चेंज नहीं हो सकता है, अब करेक्शन तो यहाँ पर देखिए कोई आएगा नहीं, ये बात आपको क्लियर होगी, चलिए जो भी होगा देखा जाएगा बाद में। अगला कमेंट देखते हैं, सर मेरा 12 पास है, ग्रेजुएशन 5th-6th सेमेस्टर बाकी है। जी हाँ, अगर मौका मिलता है 12वीं पास छात्रों को तो आपको मौका मिल जाएगा। देखिए अगला कमेंट, ग्रेजुएशन का मतलब ठीक है शिक्षा को अच्छी तरह से ठीक है ग्रहण करना है, और इसमें कोई मजाक नहीं होता है, 3 साल हमने भी अपने समय बर्बाद किया तो आने वाले पीढ़ी को भी करना ही पड़ेगा, हमारा तो मतलब बस यही है कि जो भी ग्रेजुएशन किया है उसी के बच्चे के लिए डीएलएड होना चाहिए, सारी बातें हो रही हैं उन्हीं बच्चों के लिए, तो ठीक है फिलहाल ऐसा हो रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 12वीं पास छात्रों को मौका मिलता है तो ये कोर्स हो सकता है उन बच्चों के लिए 4 साल का हो जाए, और आपके लिए ग्रेजुएशन के बाद वाले बच्चों के लिए 2 साल का, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं किया गया, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। सर क्या 12 पास स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं UPDLED में, देखिए अभी इस पर बात चल रही है, अगर सीटें खाली नहीं तो तैयार रहिएगा, आपको मौका मिलेगा, ठीक है, कोई भी कॉलेज अपना नुकसान नहीं सहेगा, क्योंकि अगर एक बच्चे से 41,000 उनको मिल रहा है, चाहे वो इंटर पास बच्चा दे चाहे वो ग्रेजुएशन पास दे, उनको पैसे से मतलब है बस, जब 12th पास वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे तो हम ग्रेजुएशन वाले कहाँ जाएंगे जो इतनी मेहनत से ग्रेजुएशन को फाइनल करके इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सर मेरा मार्कशीट नंबर गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं गलत हो गया तो, लेकिन जो नंबर आप फिल कर रहे हैं इंटर हाई स्कूल ग्रेजुएशन में वो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। एक बात और, आज से दोस्तों हमारा नवरात्रि का पर्व स्टार्ट हो रहा है, तो सभी बच्चों को हैप्पी नवरात्रि, और उम्मीद करेंगे माता रानी आपकी जो भी ठीक है इच्छा है उसको पूरा करें, तो जो बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं 200 नंबर 220 नंबर, तो उनके लिए आज एक खुशखबरी वाला दिन है, क्योंकि अभी तक आवेदन जब इतने कम हुए हैं तो आप भी सरकारी कॉलेज के रेस में आ चुके हैं। एडमिशन नियमों में क्या बदलाव होगा देखते ही, ये खाली 12वीं पास वाले, अब अदर स्टेट वाले भैया ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन करा लीजिए सभी बच्चे, अदर स्टेट वाले बच्चे कुछ डर रहे हैं फॉर्म भरने में, उनको लग रहा है यार कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है फिलहाल अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल करिए, क्या दिक्कत होगी, कुछ नहीं होने वाला, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।